हेलो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है इफ़ थ्री नॉर्मल्स ड्राउन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स पास थ्रू पॉइंट ए कॉमा जीरो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ए मस्ट बी ग्रेटर देन ठीक है तो थ्री नॉर्मल्स आपको कह रहे हैं इक्वेशन क्या दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स ये पैराबोला का इक्वेशन है और हम जानते हैं कि वाई स्क्वायर इक्ल टू फोर एक्स में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू यहां पर ए का वैल्यू जो है आपका वन बाई टू आ जाएगा यहां पुट करेंगे और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहां से पास कर रहा है पास थ्रू द पॉइंट ए कॉम जीरो दिस पास थ्रू ए कॉमा जीरो ठीक है यानी एक्स का वैल्यू ए एंड वाई का वैल्यू जीरो तो वाई का वैल्यू यहाँ जीरो इक्वल टू एम इन टू ए माइनस देखिए आपको अगर ये दो लग रहा है तो यहाँ कैपिटल ए कर देते हैं कैपिटल ए क्योंकि टू डिफरेंट है ए एम क्यू और यहाँ से हमने ए ले लिया ए इक्वल टू टू बाई फोर क्योंकि फोर ए एक्स होता है तो यहाँ ए का वैल्यू टू वाई फोर दैट मीनस वन बाई टू अब यहाँ वन बाई टू पुट कर देंगे तो टू इन वन बाई टू इन टू एम माइनस वन बाई टू ऑफ एम क्यू ये है एक्स का वैल्यू एक्स पासिंग थ्रू तो ये है और एम का अगर थ्री वैल्यू होगा तो थ्री नॉर्मल्स पास करेगा दैट इंप्लाइज़ जीरो इक्वल टू यहां आप एम कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया आपका a माइनस वन माइनस वन बाई टू ऑफ एम स्क्वायर ठीक है तो एक आपका m का वैल्यू हो गया जीरो और इससे हम एक m निकालेंगे और a माइनस वन माइनस हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो इसका मीनिंग हुआ हाफ ऑफ एम स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस वन

सो so, ये हो गया ए माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो इसका मीनिंग क्या हुआ ए इज ग्रेटर देन वन यहाँ एम स्क्वायर है दिस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव तो राइट right साइड भी क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव सो ग्रेटर देन जीरो सो ए का वैल्यू क्या निकला ए इज ग्रेटर देन वन सो ए मस्ट बी ग्रेटर देन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वन ओके थैंक यू